फतेहाबाद क्षेत्र में रविवार को जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी होतम सिंह निषाद ने गांव-गांव जाकर चौपाल लगाई तथा समाज सेवी होतम सिंह निषाद ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और हर संभव समस्याओं का निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया। वार्ड नंबर 42 से होतम सिंह निषाद द्वारा एक दर्जन से ज्यादा गाँवों में जनसंपर्क किया गया। वहीं ग्रामीणों को साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं ग्रामीणों ने होतम सिंह निषाद को जीत का भरोसा दिलाया। अपना परिचय। मेरा नाम होतम सिंह निषाद है और मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 42 से निर्दलीय जिला पंचायत क्षेत्र की तैयारी कर रहा हूँ। आज कौन कौन सी जगह आपने भ्रमण किया? आज मैंने गांव रामगढ़ के मजरा में आपके भोजपुर में और साथ ही सलीमपुर धनगर में और आपके पक्का चमरपुरा में, इन जगहों पर हम लोगों ने लोगों के साथ जाकर के जनसंपर्क किया। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आगे के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, आगे के लिए जो तैयारी है, अभी माहौल को देखते हुए अभी जैसा चुनाव आयोग का निर्देश जारी होता है उसी आधार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र में लोगों से अभी जनसंपर्क बना रहे हैं और जैसा ही चुनाव आयोग की तरफ से जो भी हमारे बीच में डेट फाइनल हो जाएगी, कब नामांकन करना है, कब हम लोगों को इस क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार प्रसार करना है, अभी केवल हम अपने जनसंपर्क बना रहे हैं। लोगों का काफ़ी अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। अगर आप क्षेत्र से जिला पंचायत चुनकर जाते हो, किस तरह का विकास जनता के लिए करें? देखिए, जिला पंचायत यदि मुझे चुनकर के जनता ने भेजा और जनता ने वास्तव में अपनी ताकत का परिचय दिखाया, जैसे कि मैं अभी गाँव के अंदर जाता हूँ, किसी भी गाँव और मजरे के अंदर जाता हूँ, तो लोगों के अंदर एक देखने को माहौल पैदा हो चुका है कि एक सबसे बड़ी एक अलग से पहचान बन रही है लोगों के अंदर, कि सभी पार्टियों से लोगों के अंदर नाराज़गी महसूस होती है, तो उससे लगता है कि हम लोगों को अवश्य जिला पंचायत बना करके जनता भेजेगी। दूसरी बात, मैंने जैसे कि आपने कहा कि आप लोग जिला पंचायत बनकर के गए तो क्या करेंगे, यदि मैं जिला पंचायत बनकर गया तो पहले तो मैंने जो सिस्टम बनाया है अपना निजी बायलाज बना करके, कि क्षेत्र में 17 पंचायत हमारे वार्ड नंबर 42 में हैं, 17 पंचायतों में 17 जिला पंचायत प्रतिनिधि चुनकर मैं तैयार करूँगा, जहाँ से कोई भी समस्या ग्राम पंचायत के अंदर, कोई भी जिस ग्राम पंचायत में अगर जो प्रतिनिधि हमारा बैठा है उसके माध्यम से वहाँ की समस्या को सॉल्व कराने का कार्य करूँगा, और किस प्रकार से वहाँ पर हमको विकास करना है ये भी हम प्रतिनिधि के माध्यम से खुली बैठक कराते रहेंगे भविष्य में, जब जब वहाँ पर कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तब। और हम लोग ये आशा विश्वास के साथ लोगों का ये भरोसे को मजबूत रखेंगे, क्योंकि लोग आज तक कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं, इसलिए मैं इस बात की एक आशा लेकर के चल रहा हूं कि हर व्यक्ति के पास चुनाव जीतने के बाद मैं पुनः निश्चित क्षेत्र में वापस जाऊं और लोगों की भावनाओं का सम्मान। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।